हेलो दोस्तों, अभी 8 सितंबर को ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने SOP इशू किया था। SOP मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिसमें स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस को कंपाइल करके एक साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब एक तरह की गाइडलाइंस जो गवर्नमेंट ने 9th से 12th तक के स्टूडेंट्स के लिए इशू की है स्कूल्स की रीओपनिंग के रिगार्डिंग। तो पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, टीचर्स और बच्चे एक्सेट्रा और कॉलेज वाले भी इसे ध्यान से सुने, क्योंकि उसके बाद आपकी बारी भी आ सकती है। और गाइडलाइंस या SOP में मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज के बारे में भी उन्होंने कवर किया है, क्योंकि लॉकडाउन के चलते डिप्रेशन, एंजाइटी एक्सेट्रा में काफी इंक्रीज हुआ है। तो अभी देखते हैं कि गवर्नमेंट ने उसके रिगार्डिंग क्या स्टेप्स उठाए हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, ऐसे ही लेटेस्ट और रीसेंट टॉपिक्स, एनालिसिस एक्सेट्रा के बारे में जानने के लिए। 21 सितंबर, ये डेट गवर्नमेंट ने फाइनलाइज की है टू ओपन पार्शियल रिजम्पशन ऑफ एक्टिविटीज, मतलब स्कूल की कुछ एक्टिविटीज को शुरू करेंगे। और 21 सितंबर अनलॉक 4 में 9th से 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए कुछ गाइडलाइंस और SOP इशू किया है। अब हम उनमें से जो इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस हैं उसकी हम बात करेंगे। तो पहली गाइडलाइन है कि सिर्फ वही स्कूल्स खुलेंगे जो कंटेनमेंट जोन्स के बाहर हैं, और साथ में स्टूडेंट्स, टीचर्स और वर्कर्स भी जो कंटेनमेंट जोन्स में रहते हैं वो भी नहीं अलाउड। साथ में जितने भी एक्टिविटीज जैसे कि असेंबलीज, स्पोर्ट्स इवेंट्स एक्सेट्रा, जिसमें काफी ज्यादा ओवरक्राउडिंग हो सकती है, वो बिल्कुल नहीं होगी। गाइडलाइंस में इसे काफी स्ट्रिक्टली मेंशन किया गया है। इसके बाद जो एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट गाइडलाइन है वो ये है कि 9th से 12th क्लास के स्टूडेंट्स को स्कूल्स को विजिट करने की परमिशन दी जाएगी, ताकि अगर वो अपनी टीचर से किसी भी तरह की गाइडेंस लेना चाहते हो तो स्कूल में अपनी टीचर से मिलकर उसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन स्कूल में एंटर करने की परमिशन तभी मिलेगी जब वो अपने पेरेंट्स से लिखवा कर लाएंगे। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट गाइडलाइन है, जितने भी टीचिंग एंड नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज हैं उसका सिर्फ अप टू 50% ही स्कूल्स में अलाउड होगा, और उन्हें स्कूल में ऑनलाइन टीचिंग या टेलीकाउंसलिंग के रिलेटेड बुलाया जा सकता है। अब जितने भी स्कूल्स को क्वारंटाइन सेंटर्स बनाया गया था उन्हें अच्छी तरह से सैनिटाइज और डीप क्लीन किया जाएगा स्कूल्स की ओपनिंग से पहले। जब स्कूल्स की बात हो रही हो और स्ट्रेट लाइन और डिसिप्लिन की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो सरकार ने इसका भी सोल्यूशन निकाला है और इसके बारे में बात करते हुए कहा है कि जमीन पे 6-6 फीट के डिस्टेंस को मेंटेन रखते हुए मार्किंग्स की जाएंगी, सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट गाइडलाइन है कि जितने भी वर्क रिलेटेड एरियाज हैं जहां पे टीचिंग या इंस्ट्रक्शंस की जरूरत होती है, उन एरियाज को 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से सैनिटाइज किया जाएगा, स्पेशली उन ऑब्जेक्ट्स को जिनसे फिजिकल कॉन्टेक्ट बहुत ज्यादा होता है, जैसे कि हैंडल्स, डोर्स, चेयर्स, बेंचेस, वाटर टैप्स एक्सेट्रा। स्विमिंग पूल्स बंद रहेंगे और जिमनेजियम्स मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस के हिसाब से चलेंगे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये भी है कि ध्यान में रखा जाए कि स्पिटिंग या इधर उधर थूकना बिल्कुल भी अवॉइड किया जाना चाहिए। जिन स्कूल्स में बायोमेट्रिक या फिंगरप्रिंट अटेंडेंस होती है वहाँ पे कॉन्टेक्टलेस अटेंडेंस होगी, और अगर ACs भी हैं तो AC का टेम्परेचर 24-30 डिग्री सेल्सियस की रेंज में ही होगा। साथ में रिलेटिव ह्यूमिडिटी की रेंज 40-70 की मेंटेन रखनी है, और क्रॉस वेंटिलेशन और फ्रेश एयर भी बहुत जरूरी है। अब हम मेंटल हेल्थ इश्यूज के रिगार्डिंग गाइडलाइंस की बात करते हैं। तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि स्टूडेंट्स की रेगुलर काउंसलिंग होनी चाहिए स्कूल्स के द्वारा, ताकि अगर कोई भी एंग्जाइटी, स्ट्रेस, टेंशन या डिप्रेशन में है तो वो उससे थोड़ा इजीली डील कर सके। और गवर्नमेंट ने एडवाइस भी किया है कि टीचर्स, स्कूल काउंसलर्स और स्कूल हेल्थ वर्कर्स मिलकर स्टूडेंट्स की इमोशनल सेफ्टी को भी इंश्योर करें। तो अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये स्कूल खोलने का डिसीजन गवर्नमेंट के द्वारा जो लिया गया है, क्या वो सच में सही भी है? क्या ये जो स्टेप्स और गाइडलाइंस निकाली हैं, क्या ये अप्रोप्रिएट हैं? और क्या ये हर स्कूल अप्लाई भी कर पाएगा? क्योंकि इंडिया में एक लार्ज चंक ऑफ स्टूडेंट्स गवर्नमेंट या सरकारी स्कूल्स में जाते हैं जहां पे ऐसी अरेंजमेंट्स या ऐसा प्रबंध बहुत ही मुश्किल है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और गवर्नमेंट पता नहीं क्या सोच रही है, क्योंकि अगर हम ओवरऑल कोरोना वायरस केसेस की बात करें तो इंडिया ऑल ओवर द वर्ल्ड ब्राजील को भी पीछे छोड़ चुका है और सेकंड नंबर पे आ चुका है। टोटल केसेस का काउंट 44 लाख प्लस हो चुका है, जिसमें से 33 लाख रिकवर कर चुके हैं, और इसके साथ 78,000 प्लस डेथ्स हो चुकी हैं। और अगर हम 8 सितंबर की ही बात करें तो हाईएस्ट डेथ केसेस आए थे 1,133। मोस्ट इफेक्टिव स्टेट्स की बात करें तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और UP मोस्ट इफेक्टेड स्टेट्स में आती हैं। तो पता नहीं सरकार क्या चाहती है, कि इंडिया कोरोना वायरस के केसेस में भी पहले नंबर पे आ जाए,
क्योंकि प्रिकॉशंस जितने मर्जी भी ले लो, चांसेस तो फिर भी हैं। और अगर सरकार ने रीओपनिंग के बारे में सोचा ही था तो क्यों ना कोरोना वायरस का सोल्यूशन निकालने के बाद ही स्कूल्स की रीओपनिंग करते। तो इस चाइनीज वायरस का सोल्यूशन एक ही है, वो है वैक्सीन। और अगर वैक्सीन की बात करें तो इंडिया वैक्सीन की डेवलपमेंट में एक्टिवली एंगेज्ड है। और अभी ट्यूजडे को ही गवर्नमेंट ने बताया कि रशिया ने इंडिया से हेल्प मांगी है वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। इंडिया की कंपनीज वैक्सीन डेवलपमेंट और उनकी वैक्सीन जिसका नाम स्पुतनिक 5 रखा गया था, उसकी मैन्युफैक्चरिंग और फेज 3 ट्रायल्स को कंडक्ट करने में हेल्प करेगी। ये स्टेटमेंट खुद नीति आयोग के हेल्थ मेंबर प्रोफेसर वी के पॉल ने दी। वीडियो को लाइक करने के बाद बाकी ग्रुप्स में जरूर शेयर करना, ताकि ऐसी ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन बाकियों तक भी पहुंच सके। और चैनल और ऐसे ही रीसेंट और लेटेस्ट टॉपिक्स के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर।